हाय फ्रेंड्स, सुवर्णस किचन में आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बांग्लादेश स्टाइल ढाकाई परोठा का रेसिपी। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही क्रिस्पी एंड बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिया हूँ 2 कप मैदा और उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड कर दूंगी 6 टेबल स्पून ऑयल। इसके बदले में आप घी भी ऐड कर सकते हो और जो रेगुलर ऑयल आप यूज़ करते हो वो ऑयल ही यहाँ पर ऐड करना। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून शुगर। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड कर दूंगी 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और उसके बाद हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स हाथों का मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब ऐसी तरह देखो मोइन की तरह बन जाएगी तब यहाँ पर हमने धीरे धीरे पानी ऐड कर दूंगी और ये पानी कोल्ड होना चाहिए। और यहाँ पर कोल्ड पानी यूज़ करने का कारण यहाँ पर जो ये पराठा बनेंगे वो अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड कर दिया, मैंने सॉल्ट ऐड करना भूल गई थी। और उसके बाद देखो यहाँ पर अच्छे से मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया हूँ और उसके बाद हमने यहाँ पर 30 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट पर छोड़ दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर एक कटोरी में मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैदा ऐड किया और उसके बाद यहाँ पर हमने ऐड कर दूंगी 4 टेबलस्पून ऑयल। और उसके बाद यहाँ पर सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमने मिक्स कर लूँगी। देखो यहाँ पर मैंने मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद देखो ऐसी तरह पेस्ट बन जाएगी। अब यहाँ पर 30 मिनट हो गई है और उसके बाद हमने और एक बार अच्छे से ये मिक्स कर लूँगी। देखो यहाँ पर मैंने मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद एक एक करके सारे लोई बना लूँगी। जब अब रोटी बनाते हो जैसे लोई बनाते हो ऐसे ही लोई बनाना। तो देखो यहाँ पर ऐसे ही मैंने लोई बना रही हूँ और उसके बाद हमने ऐसी तरह बॉल्स की तरह शेप दे दूँगी और थोड़ा सा हाथों की मदद से प्रेस कर दूँगी। तो देखो ऐसी तरह मैंने सारे बॉल्स को रेडी कर रही हूँ और देखो यहाँ पर सारे बॉल्स को रेडी कर लिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैदा लूँगी और एक बॉल्स को उठा लूँगी और उसके बाद ऐसी तरह मैंने बेल लूँगी इसको। तो देखो ऐसे जब आप रोटी बनाते हो जैसे बेलते हो वैसे ही बेलना। तो देखो ऐसी तरह मैंने बेल रही हूँ और यहाँ पर देखो हमने रोटी का तरह ऐसे ही बेल लिया हूँ। और उसके बाद जो पेस्ट मैंने रेडी करके रखी थी वो पेस्ट यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दूंगी और हाथों का मदद से ऐसी तरह स्प्रेड कर दूंगी। तो देखो ऐसी तरह मैंने स्प्रेड कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो ऐसी तरह मैंने स्प्रेड कर लिया हूँ और उसके बाद यहाँ पर मिडिल से इसी तरह कट कर लूँगी। और उसके बाद हमने देखो ऐसी तरह कट कर रही हूँ और ऐसी तरह रोल कर रही हूँ। देखो ऐसी तरह मैंने रोल कर लिया हूँ और ये रोल अच्छे से करना क्योंकि ये रोल जितना अच्छे होगी आपका पराठा भी उतनी ही अच्छी होगी। तो देखो ऐसी तरह मैंने रोल कर लिया हूँ और उसके बाद यहाँ पर ऐसी तरह मैंने फोल्ड। तो यहाँ पर देखो मिडिल पोर्शन में ऐसी तरह मैंने फोल्ड कर लिया। देखो ऐसी तरह ही आप भी फोल्ड कर लेना। और उसके बाद सामने से ऐसी तरह कट कर लेना और देखो यहाँ पर ये बन कर रेडी हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा ऑयल लेना और ऐसी तरह ऑयल से डुबा के रख देना। देखो यहाँ पर ऐसी तरह हमने सारे रेडी कर लूँगी। तो देखो यहाँ पर सारे रेडी कर लिया हूँ ऐसी तरह। तो यहाँ पर एक बॉल्स को मैंने ऐसी तरह ही देखो ऐसी तरह ऊपर से प्रेस करना और जितना पतला कर सकते हो उतनी पतला करके बेल लेना। मैंने यहाँ पर सूखी हुई मैदा लिया हूँ और उसके बाद इस मैदे का मदद से अच्छे से बेल लूँगी। तो देखो यहाँ पर मैंने स्प्रेड कर रही हूँ इस मैदे को। देखो ऐसी तरह मैंने पतला करके बेल लिया हूँ और उसके बाद यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया हूँ और उसके बाद एक ऐसी तरह मैंने ऑयल में डाल दिया हूँ। और उसके बाद ऐसे तरह इसको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना। हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करोगे तो ये फूलेंगे नहीं। तो देखो धीरे धीरे से ये फूल जाएंगे।
देखो ऐसे तरह ही फ्राई करूँगी। और ये फ्राई करने का टाइम उल्टा मत करना, जब ये फूल जाएंगे अच्छे से तब इसको उल्टा कर देना। तो देखो ऐसे तरह पूरा फूल गए, और उसके बाद इसको हमने अपोजिट साइड में उल्टा कर दूंगी। अब तो ऐसे तरह दोनों साइड ही अच्छे से फ्राई कर लूंगी। तो देखो यहाँ पर ऐसे तरह मैंने फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो ये अच्छे से फ्राई होके रेडी हो गई है, और इसको हमने उठा लूंगी अब। तो ऐसे तरह ही हमने सारे पराठों को रेडी कर लूंगी, और इसको आप डाउल के साथ सर्व कर सकते हो। और यहाँ पर देखो ये पराठा बहुत ही क्रिस्पी बना, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो मेरे आज का रेसिपी आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।